हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 अकाउंट्स पार्टनरशिप फंडामेंटल। सी लेट्स सपोज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है पेन बनाने का। अब पेन बनाने के लिए कुछ एक फंड की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज करो उसमें 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे क्या बनाना है, मुझे एक पेन का बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके अंदर एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपीस। अच्छा, अब वो 10 लाख रुपए मेरे पास हैं, तो मैं क्या करूंगा, वो बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। अब ये बिजनेस का मालिक कौन, ओनर कौन, मैं। तो अब इस बिजनेस में जितने भी फायदा होगा, जितना भी नुकसान होगा, वो किसका, मेरा। इस बिजनेस में मैंने 10 लाख रुपए डाले। सपोज करो मेरा नाम है मिस्टर ए, मैंने 10 लाख रुपए डाले। हाँ, 10 लाख रुपए डाले। अब इस बिजनेस में फायदा हो गया 40 लाख का, पूरा का पूरा फायदा किसका, मेरा। इस बिजनेस में नुकसान हो गया 50 लाख का, तो वो भी पूरा का पूरा नुकसान मेरा। मतलब जो भी फायदा जो भी नुकसान मेरा। मुझे कहां बिजनेस करना है, दिल्ली में करना है, जयपुर में करना है, मुंबई में करना है, मुझे किसी से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितनी सैलरी मैं लूंगा, मैं ऑफिस कब आता हूं कब जाता हूं, मुझे किसी से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज इस बिजनेस का मालिक क्या हूं, मैं हूं। और इसको मैं बोलता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप। जो आपने क्लास 11th में पढ़ा, याद है ना, क्लास 11th में लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक ही पर्सन बिजनेस करता है, सारा का सारा फायदा उसका, सारा का सारा नुकसान उसका, कोई भी डिस्प्यूट होता ही नहीं है, कोई झगड़ा होता ही नहीं, बिकॉज मालिक वो ही है। तो इसको मैं बोलता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप। बट वॉट इफ जब मुझे ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट आती है। आज सपोज करो कि मैं ये पेन बना रहा हूं, आज मैंने सोचा यार पेन बनाने से अच्छा एक काम करता हूं, ये रिमोट बनाता हूं, रिमोट बनाता हूं। अब रिमोट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो इस रिमोट बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है अराउंड 50 लाख रुपए की। मतलब मुझे एक रिमोट बनाने की फैक्ट्री खड़ी करनी है और उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है सर, 50 लाख रुपीज की। चलो भाई, रिमोट की रिक्वायरमेंट है, मुझे कितना कैपिटल चाहिए सर, मुझे कैपिटल चाहिए 50 लाख रुपीज। और मैं क्या बना रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं रिमोट बना रहा हूं। अब रिमोट बनाने के लिए नॉलेज मेरे पास है, ओके, बट कैपिटल, पैसा मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए है। मेरे पास सिर्फ जो कैपिटल है, मैं हूं मिस्टर ए, मिस्टर ए, मेरे पास मात्र 10 लाख रुपए है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 10 लाख है, 40 लाख है नहीं, तो क्या मैं आइडिया ड्रॉप कर लूं कि मुझे बिजनेस नहीं करना, नहीं, मैं बैंक के पास जाऊंगा। सपोज करो मैं HDFC बैंक के पास गया कि मुझे कोई लोन दे दो, 40 लाख का लोन चाहिए, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। HDFC वालों ने कहा आपके पास कुछ गिरवी रखने का कुछ है क्या, मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, 10 लाख रुपए है मात्र। तो बैंक ने कहा देखो हम आपको लोन ऐसे नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, तभी हम आपको पैसा दे सकते हैं। तो अब मेरे पास कोई भी एक्सेस नहीं है, 10 लाख रुपए ही है मेरे पास, मुझे और कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे। तो अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं बिजनेस का आइडिया ही ड्रॉप कर लूं, या फिर कहीं किसी को पार्टनर बना दूं और उससे पैसा ले लूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पर्सन है मिस्टर बी, मिस्टर बी, उसको अप्रोच करूंगा, उसके पास बहुत पैसा है। मैं बोलूंगा यार देख मुझे 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, एक फैक्ट्री खड़ी करनी है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, क्या तू 40 लाख रुपए बिजनेस में लगा सकता है। मिस्टर बी बोलता है हाँ यार मेरे पास बहुत पैसे हैं कि मैं तेरे बिजनेस के अंदर 40 लाख रुपए लगाने को तैयार हूं। तो टोटल कितने हो गए, 50 लाख रुपए। मतलब मैंने 10 लाख लगाए, मिस्टर बी ने कितने लगाए, 40 लाख रुपए, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और हम दोनों में अब डिस्कशन भी हुआ भाई प्रॉफिट जो होगा, मुनाफा जो होगा, वो कैसे बांटेंगे भाई, कितना मिलेगा हम दोनों को। तो मैं हूं मिस्टर ए, वो है मिस्टर बी, मैंने कहा देख जो भी प्रॉफिट होगा ना वो आधा आधा बटेगा, इक्वल इक्वल। अगर कल अगर फायदा हुआ 2 लाख का, 1 लाख मेरा 1 लाख तेरा, फायदा हुआ 50 लाख का, 25 लाख मेरा 25 लाख तेरा। बट अब मिस्टर बी बोलेगा ये बात तो गलत है, मैंने 40 लाख बिजनेस में डाले और तूने डाले 10 लाख रुपए, मैं डाल रहा हूं 40 लाख, तू डाल रहा 10 लाख, तो फायदा इक्वल इक्वल कैसे। मिस्टर बी ने कहा मुझे फायदा ज्यादा मिलना चाहिए, पर मिस्टर ए ने कहा नहीं ये बात तू गलत बोल रहा है, देख इस बिजनेस को करने का जो आइडिया है वो मेरा है, बिजनेस को चलाने का क्या स्टाइल है वो मेरा है, मुझे पता है कि इसमें क्या क्या नॉलेज रखती है, दिमाग है वो मेरा है, तू सिर्फ बिजनेस में पैसा डाल रहा है, हाँ तू काम जरूर करेगा पर ज्यादा काम ज्यादा नॉलेज मेरे में है।
तो मुझे ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ही इसके अंदर क्या कहते हैं कैपिटल भी डाल रहा हूं प्लस दिमाग भी डाल रहा हूं, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो मिस्टर बी ने भी सोचा, यार बात तो तेरी सही है, मुझे तो रिमोट बनाना आता नहीं है, तो यार और इस बिजनेस में बहुत फायदा है, तो क्यों ना हम मिस्टर ए के साथ पार्टनरशिप कर ले। तो हम दोनों में ओरली डिस्कशन हो गया कि ए ने डाला 10 लाख, बी ने डाला कितना 40 लाख, पर जो प्रॉफिट होगा, जो वो प्रॉफिट होगा वो कैसे डिवाइड होगा, 1:1, मतलब फायदा हुआ 30 लाख का, 15 लाख मेरा 15 लाख उसका, ओरली डिसाइड हुआ, ध्यान रखना। तो यहां पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लिया, क्या कंसेप्ट, कि फायदा कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैपिटल पे रिक्वायरमेंट नहीं होता, म्यूचुअली क्या डिस्कशन हुआ है उस पर डिपेंड होता है। मतलब अब आपके क्वेश्चन में आएगा कि इसने 10 लाख डाले, इसने 40 लाख डाले, तो अगर कोई बोलेगा भाई इसने ज्यादा रुपए डाले हैं तो इसको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, नहीं, ये डिपेंड होता है बहुत सारी कंडीशन पे, किसको ज्यादा नॉलेज है, कौन ज्यादा काम करता है। तो उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया, दोनों ने मिल बांट के डिसाइड किया कि प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रख दिया हमने, 1:1, और ध्यान रखो ये ओरली डिसाइड हुआ, तो इसको मैं बोलता हूं पार्टनरशिप। तो दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज करो नाम रखा ए बी एंड सन्स लिमिटेड, ठीक है ना, ए बी एंड सन्स, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया पार्टनरशिप में। अब उसके कितने पार्टनर है, ए और बी, दो पार्टनर है, 10 लाख 20 अच्छे 40 लाख, और प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली डिस्कशन होगा, तो इसको मैं बोलता हूं पार्टनरशिप। तो आपने समझ में आ गया, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, 2, 3, 4, 40, 50, ओके। चलो अब हुआ बात डिस्प्यूट का, फिर डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, देखो जहां पे दो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना वहां पे झगड़ा तो होना ही होना है, फिर झगड़ा, अरे आप जिस रूम में रहते हो, आप अपने घर में रहते हो, सपोज करो आपका एक अकेले का खुद का रूम है, तो अब आप खुद का रूम है तो आप उसको कैसे भी मेंटेन करो, उसको साफ रखो या नहीं रखो कोई झगड़े की बात ही नहीं है, आपकी स्टडी टेबल, आपकी बेड आपका, बट द मोमेंट कोई अगर आपको पापा मम्मी बोले कि आपको ये रूम अपनी भाई या बहन से शेयर करना है, तब आपके दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा, भाई मैं ये बेड यूज करूंगी, स्टडी टेबल मैं यूज करूंगी, साफ रखो क्लीन रखो, तो ये झगड़ा तो नॉर्मल की बात है। सेम पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें डिस्प्यूट तो होना ही है। तो अब आप सोचो कि पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो गया, जैसे कि अगर इस केस में, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल बताया, क्या मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया कि ए और बी 10 लाख और 40 लाख रुपए है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, प्रॉफिट हो गया 30 लाख का, कितने का फायदा हो गया, 30 लाख का फायदा हो गया। अब 30 लाख में फायदे में ए ने बोला भाई इक्वल 15 लाख 15 लाख, पर बी ने बोला नहीं यार 15 लाख 15 लाख नहीं, मैंने ज्यादा पैसे डाले तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, ए बोले अगर हम दोनों में डिस्कशन हुआ तो सही है कि इक्वल, बी ने कहा मैं भूल गया क्या डिस्कशन हुआ, मुझे इक्वल चाहिए, वरी मुझे इक्वल नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, मैंने ज्यादा पैसे डाले, तो अब क्या हो गया, ए और बी में झगड़ा हो गया। तो ध्यान रखो जब भी झगड़ा होगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या होता था झगड़ा हुआ तो सॉल्व कैसे किए, डायरेक्ट कोर्ट चले गए, भाई हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए, पर आपको पता है इंडिया में कोई एक पार्टनरशिप तो रही है, इंडिया में लाखों पार्टनरशिप है, हर गांव हर सिटी में लाखों पार्टनरशिप है, सोचो वो लाखों झगड़े आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में पहुंच गए, तो ये बड़े बड़े कोर्ट काम कैसे करेंगे, इतने सारे झगड़े वो बोलेंगे इन दोनों में झगड़ा होता जा रहा है और हमारा जो इंपॉर्टेंट जो इंडिया के लिए डिसीजन है वो तो हम ले नहीं पा रहे और इन दोनों के झगड़े सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर कोर्ट क्या गया, गवर्नमेंट के पास गया और बोला देखो हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आप कुछ करो, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है मैं एक एक्ट लगाता हूँ, एक एक्ट बनाता हूँ और उस एक्ट का उसने नाम दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उन्होंने एक्ट बनाया, और गवर्नमेंट ने कहा अब जो भी झगड़ा होगा पहले आप इसको देख लेना वहां पे झगड़ा सॉल्व हो जाएगा, 99% ऑफ ऑल द डिस्प्यूट गेट सॉल्व इन दिस एक्ट, और अगर यहां पे भी सॉल्व नहीं होता तो हम कहां जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जैसी झगड़ा हुआ सपोज करो डिस्प्यूट हुआ
अब वो डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, सबसे पहले हम एग्रीमेंट देखेंगे। एग्रीमेंट होता है ओरल और रिटन, जो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कि कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसे डिवाइड होगा प्रॉफिट। तो वहां पे अगर झगड़ा सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड। वहां पे झगड़ा सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड, जो आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। झगड़ा हुआ ही नहीं, झगड़ा हुआ यहाँ पे एग्रीमेंट देखा, क्या डिस्कशन हुआ, इक्वल इक्वल, बट वहां पे डिस्कशन हुआ नहीं और डिस्कशन जो हुआ वो ओरल ही हुआ, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो अब क्या करोगे, झगड़ा हुआ तो then you will go to Indian Partnership Act 1932। मतलब पहले झगड़ा, पहले agreement देखेंगे, उसके बाद अगर यहाँ पे भी झगड़ा solve नहीं हुआ तो हम Indian Partnership Act 1932 में जाएंगे। Indian Partnership Act में बहुत सारी conditions लिखी हुई है जो मैं बाद में discuss करूँगा कि आपकी अगर ये झगड़ा हुआ तो ये condition follow करना है, ये झगड़ा हुआ तो ये condition follow करना है, और वो हमें सारी condition fulfill करनी है। और यहाँ पे fulfill होने के बाद अगर यहाँ पे भी झगड़ा solve हो गया तो well and good, खत्म। पर यहाँ पे भी अगर झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, वी विल ऑलवेज फॉलो दिस प्रोसीजर, वी विल ऑलवेज फॉलो, वी कैन नेवर स्किप दिस, नो वी कैन नेवर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में चले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पूरे जो ये चैप्टर के अंदर है ना, ये बहुत काम आने वाला है कंसेप्ट। सिंपल कंसेप्ट लग रहा है पर आप ध्यान से पढ़ना, कभी भी आप इसको स्किप नहीं कर सकते। पहले एग्रीमेंट को रेफर करेंगे, यहां झगड़ा सॉल्व हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खत्म। फिर इंडियन, झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाओगे, फिर भी झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ फिर कोर्ट। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोर्ट चले जाओ, नहीं, आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाओगे, आप फॉलो करोगे डिस्प्यूट, पहले एग्रीमेंट फिर पार्टनरशिप एक्ट फिर कोर्ट। क्लियर है? कभी भी आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ, 99% झगड़े यहाँ पे सॉल्व हो गए, तो कोर्ट के पास भी राहत आ गई और उसके पास कुछ स्पेशल स्पेशल झगड़े ही आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब गवर्नमेंट ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, देखो पार्टनरशिप का मीनिंग यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो फॉलो हुआ था। पार्टनरशिप का मतलब है, partnership is a relationship between the person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। सर ये तो याद करनी पड़ेगी, नहीं आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है ये, आपके एग्जामिनेशन में एक मार्क का आता है कभी कभी क्वेश्चन कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के में पार्टनरशिप का मीनिंग बताओ। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है तो एक रिलेशन बन गया है बिटवीन द पर्सन में इन्वॉल्व हो रहा है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। इधर प्रॉफिट का मतलब लॉस भी होता है, सर लॉस भी होता है, हाँ लॉस को हम और क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव प्रॉफिट बोल सकते हैं ना, हाँ तो ये लॉस भी सकता है। ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस ही तो कर रहे हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ एक्टिव फॉर, सर इसका मतलब बता दो। इसका मतलब बनाने के लिए पहले मुझे आपको पार्टनरशिप के क्या बताना पड़ेगा, फीचर्स बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहला फीचर जो होता है पार्टनरशिप का वो होता है मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं, सर दो पार्टनर। मिनिमम कितने पार्टनर, सर दो पार्टनर, और मैक्सिमम 50। सर ये क्या बात हो गई, मिनिमम दो, एक क्यों नहीं हो सकता, अरे एक होगा तो सोल प्रोप्रेटरशिप हो गया ना, एक ही तो पर्सन है, पार्टनरशिप कहां बनी, एक तो खुद से थोड़ी पार्टनरशिप करूंगा, तो उसको क्या बोलता हूं मैं, सोल प्रोप्रेटरशिप। जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं उनको उसमें बोलता हूं पार्टनरशिप। और मैक्सिमम कितना, सर 50 पार्टनर। 50 से ज्यादा क्यों नहीं, सर 50, 100 क्यों नहीं, 200 क्यों नहीं, अरे भाई कोई तो गवर्नमेंट को लिमिट रखनी पड़ेगी। आप खुद ही सोचो, 50 लोगों में फिर भी डिसीजन हो सकता है भाई हम कहाँ बिजनेस करें क्या करें, बिकॉज पार्टनरशिप एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जहाँ पे 1000 लोग इन्वॉल्व हो गए, 500 लोग इन्वॉल्व हो गए तो हम बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सबकी राय लेनी पड़ती है। आज अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस मुंबई में स्टार्ट करूँ तो मुझे 500 लोगों से पूछना पड़ेगा स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल। तो 50 लोगों में फिर भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई 50 तक आप पार्टनरशिप बनाओ, 50 के ऊपर जाना है तो आप कंपनी बनाओ या कुछ और बनाओ, पर पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर ही हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, मिनिमम देयर हैज टू बी अ 2 पार्टनर बट ऑब्वियस मैक्सिमम 50 पार्टनर, ये भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। सेकंड, फॉलोइंग पर्सन कांट बी अ पार्टनर। देखो तीन तरह के लोग पार्टनर नहीं बन सकते। पहला, माइनर कैन नॉट बी एन ओरिजिनल पार्टनर। ये ओरिजिनल पार्टनर मतलब माइनर, कोई डुप्लीकेट पार्टनर भी होता है क्या, नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल डुप्लीकेट का मतलब वो नहीं है, अभी आपको मतलब समझता हूँ। माइनर ओरिजिनल पार्टनर नहीं हो सकता, पहले तो ये जान लो कि माइनर
होता क्या है? माइनर होता है वो पर्सन जो 18 साल से कम हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर आप अभी 12 में हो तो 18 ईयर से कम हो गए, तो वो वाला पार्ट जो वो वाला पर्सन जो 18 साल से कम हो, जो बच्चा हो कानून की नजर में, लॉ की नजर में, उसको मैं बोलता हूं माइनर पार्टनर। तो माइनर पार्टनर ओरिजिनल पार्टनर नहीं हो सकता। सर इसका आप मुझे मतलब बताओ, बहुत ही सिंपल सा मतलब है। देखो सपोज करो आप हो, एक है मिस्टर ए, उसकी एज है 25 ईयर की एज है। एक है मिस्टर बी, उसकी एज है लेट सपोज 20 साल। और एक है मिस्टर सी जो कि आप हो सपोज करो, और आपकी एज है 16 साल। कितनी साल? 16 साल। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी को बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस करना है। तो क्या वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, बिकॉज ये भी 25 साल से ऊपर है, ये भी 25 साल से ऊपर है, दोनों 25 साल से ऊपर ही, दोनों 18 साल से ऊपर है, दोनों बिजनेस कर सकते हैं, दोनों मेजर हैं, तो दोनों एक बिजनेस बना सकते हैं, ए बी एन सन्स बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये बना लिया। अब क्या मिस्टर ए और सी बिजनेस कर सकते हैं? क्या मिस्टर ए और मिस्टर सी बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अरे सर ये तो 25 साल का है, ये 16 साल का है, तो बिजनेस कैसे होगा? बिकॉज लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है माइनर कैनॉट बी एन ओरिजिनल पार्टनर, मतलब माइनर पार्टनर नहीं हो सकता ओरिजिनल। अब भी हमारा ओरिजिनल पार्टनर का मतलब होता है फाउंडिंग पार्टनर, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग पार्टनर। तो यहां पे बिजनेस स्टार्ट हुआ ही नहीं, अभी स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग के अंदर मिस्टर सी पार्टनर नहीं हो सकता बिकॉज वो 18 साल से कम है। तो मिस्टर ए 25 साल का है, मिस्टर सी 16 साल का है, तो ये आपकी पार्टनरशिप नहीं बना सकते, दे कैनॉट मेक अ पार्टनरशिप। सर क्यों? क्योंकि इनका 18 साल से कम है मिस्टर सी। तो सर अब हुआ क्या, आप हो मिस्टर सी, आप हो बहुत होशियार, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, भले आपके पास पैसा नहीं हो पर आपके पास दिमाग है, आप हो नेक्स्ट जनरेशन, और मुझे आपके साथ बिजनेस करके पैसा कमाना है, तो अब मैं क्या करूंगा? लॉ ने तो मना कर दिया कि आपके साथ में बिजनेस नहीं कर सकता बिकॉज आप 18 साल से कम हो, पर मुझे तो आपके साथ बिजनेस करना ही है बिकॉज आप में बहुत जबरदस्त दिमाग है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? मैं क्या करूंगा, मिस्टर ए और बी पार्टनरशिप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिस्टर ए और बी पार्टनरशिप बनाएंगे, और उसके ओरिजिनल पार्टनर कौन है? ये बना सकते हैं ना 25 साल और 20 साल, भाई दोनों 18 साल से ऊपर है, दोनों बना सकते हैं। तो अब ये पार्टनरशिप बन गई। उसके बाद एक दिन बाद, दो दिन बाद, 10 दिन बाद, 100 दिन बाद हमने सी को बोला, आजा भाई तू हमारे बिजनेस के अंदर आजा। पर अब सी कैसे आ सकता है? सी तो 16 साल का, 18 साल का है ही नहीं। अब वो आ सकता है। सर कैसे आ सकता है? अरे क्वेश्चन देखो ना, माइनर कैन नॉट बीन ओरिजिनल। अब ये ओरिजिनल रहा ही नहीं, ओरिजिनल मतलब फाउंडिंग पार्टनर। अब तो ओरिजिनल पार्टनर तो ए और बी है, जब रिलायंस चालू हुई थी तो ओरिजिनल पार्टनर कौन थे? धीरूभाई अंबानी थे, और उसके बाद और लोग आते गए, पर ओरिजिनल फाउंडिंग कौन थे जिन्होंने स्टार्ट किया? वो ए और बी ने स्टार्ट किया। तो अब सी ने तो स्टार्ट नहीं किया, सी इस पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकता है, और अब हम क्या करेंगे, हम एक नई पार्टनरशिप बनाएंगे, ए बी सी एंड सन्स। क्या बनाएंगे? ए बी सी एंड सन। अब सी इसमें ज्वाइन कर सकता है। क्लियर है कंसेप्ट में आया? तो यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, माइनर एक तो 18 साल से कम होता है, और माइनर ओरिजिनल पार्टनर नहीं हो सकता, वो बाद में एक बनी बनाई पार्टनरशिप में ज्वाइन कर सकता है। बट एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सपोज करो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना बिजनेस स्टार्ट किया और उनको फायदा हुआ, सपोज करो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 है, मतलब ए बी और सी का 1:1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फायदा हुआ 90 लाख का, तो 90 लाख का फायदा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा। तो 30 लाख इसका, 30 लाख इसका, 30 लाख इसका। क्यों सर? 90 लाख का भाई फायदा हुआ है बिजनेस में, तो तीनों को पार्टनर मिल जाएगा 30, 30 और 30। बट अगर सपोज करो नुकसान हुआ 90 लाख का लॉस हुआ, क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस को मैं रेड में मार्क कर लेता हूं। अब क्या करेंगे? अब तो ध्यान रखना,
माइनर को कभी भी लॉस नहीं हो सकता। आप बच्चे हो कानून की नजर में और कानून ने आपको एक प्रोटेक्शन दे दी कि माइनर से कोई भी लॉस का नहीं लेंगे, मतलब जो भी लॉस होगा वो सिर्फ मेजर जो 18 साल से ऊपर है वो बियर करेंगे, मतलब ए और बी, मतलब टोटल लॉस कितना है 90, तो ए और बी में कितना है 1:1, तो 45 और 45, मतलब ये सी को कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ये तो हंस रहा है और ये क्या कर रहा है, रो रहे हैं। सर क्यों रो रहे हैं? बिकॉज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि माइनर है, बच्चा है, अभी उसको फाइनेंस की समझ नहीं है, भले उसको नॉलेज है उससे लॉस नहीं ले सकते, वो बच्चा है। तो ध्यान रखो माइनर सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है, लॉस में नहीं होता। द मोमेंट वो मेजर बन जाएगा, 18 साल से ऊपर हो जाएगा, तब उसको प्रॉफिट भी मिलेगा लॉस भी मिलेगा, पर जब तक वो बच्चा है उसको सिर्फ और सिर्फ फायदा मिलेगा। फायदा 90 का हुआ तीनों को मिला, नुकसान 90 का हुआ तो सिर्फ ए और बी बियर करेंगे, अपने घर से बियर करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो मैंने आपको यहां पे कंसेप्ट बता दिया, माइनर 18 साल से कम होता है, दे विल नॉट शेयर लॉस, वो लॉस शेयर नहीं करेंगे, ध्यान रखना, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, एंड दे कैन जॉइन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बट वो फाउंडिंग पार्टनर नहीं हो सकते। क्लियर है? चलो ये हो गया। दूसरा, एक तो माइनर कांट बी एन ओरिजिनल पार्टनर, दूसरा पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जिसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, जिसको जो मतलब दिमागी मतलब हालत ठीक नहीं है, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता, बट ऑब्वियस ही कैन नॉट टेक अ डिसीजन। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज पर्सन हु इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ ने बोल दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता है, फॉर वॉट एवर रीजन, हो सकता है वो उसने डिफॉल्ट किया हो या वो इंस्टॉलमेंट हो, पैसा लेके भाग गया हो, तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये पर्सन हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। तो तीन पार्टनर नहीं बन सकते, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, एक तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ओरिजिनल पार्टनर नहीं बन सकता, पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन हु इज डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ। क्लियर है? थर्ड फीचर है एग्रीमेंट। देखो एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ओरल मतलब हम दोनों ने ए बी ने डिसाइड किया, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा भाई साहब, इक्वल इक्वल डिसाइड होगा, तो इसको मैं बोलता हूं ओरल एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट क्या होता है, जब हम दोनों पेपर पे लिख देते हैं, ए को मिलेगा आधा प्रॉफिट, बी को मिलेगा आधा, ए ने भी साइन किया बी ने भी साइन किया, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, रिटन एग्रीमेंट। तो ध्यान रखो एग्रीमेंट जरूरी है, ओरल भी हो सकता है रिटन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन में हो, इट कैन बी ओरल और रिटन। रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप में। आप बताओ आप क्या प्रिफर करोगे, आप अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप करोगे तो रिटन एग्रीमेंट प्रिफर करोगे ओरल? बट ऑब्वियस रिटन एग्रीमेंट प्रिफर करोगे, क्यों? अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप रिटन एग्रीमेंट करोगे तो कोई डिस्प्यूट हुआ तो आप कोई पेपर देख सकते हो, ओरल में तो कोई प्रूफ ही नहीं है, हम दोनों ने बातें की आगे क्या प्रूफ है कि क्या डिसाइड हुआ, किसको क्या सैलरी मिलेगी, मैंने कहा मुझे 1 लाख मिलेगी और उसको मिलेगी 2 लाख, और आगे जाके फ्यूचर में डिस्प्यूट हो गया, मैंने कहा मेरे को भी 2 लाख रुपये चाहिए, तो भाई ओरल ही डिसाइड हुआ था ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं। रिटन के अंदर सब कुछ सामने लिखा हुआ होता है, मैंने भी साइन किया उसने भी साइन किया, तो रिटन एग्रीमेंट को मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं है कि वो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो अब ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखो पार्टनरशिप डीड, देखो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट, जरूरी मैं आपको बता चुका हूं, फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट से भी काम चल सकता है, पर अगर वो पार्टनरशिप रिटन में है तो उसको मैं बोलता हूं पार्टनरशिप डीड बोलता हूं। क्लियर है? इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज ड्यूली साइन बाय ऑल द पार्टनर, बहुत जरूरी बात है। देखो पार्टनरशिप डीड जो होती है ना वो साइन होती है सारे पार्टनर, मतलब अगर सपोज करो मेरे बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, तो ये भी साइन करेगा, ये भी साइन करेगा, ये भी साइन करेगा, ये भी साइन करेगा, जो भी हमने एग्रीमेंट बनाया, जो भी हमारा एग्रीमेंट बनाया, ये चारों साइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप डीड चारों ने साइन किया, और पार्टनरशिप डीड में जो लिख दिया,
जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर, उसको हटा नहीं सकते, वो 100% फॉलो करना पड़ेगा। डीड में जो लिख दिया वो फाइनल है, ओके, बिकॉज चारों ने साइन किया है। तो नॉर्मली डीड में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो डीड, आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनाते हो ना, तो रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या होता है, सर नाम, आपका नाम, आपने जिसे रेंटल लिया प्रॉपर्टी उस लैंडलॉर्ड का नाम, आपका एड्रेस, उसका एड्रेस, प्रॉपर्टी के फीचर्स क्या है, कितने रूम है, कितने गार्डन्स हैं, एक्सेट्रा, वो सब। तो यार ये भी तो पार्टनरशिप भी तो ऐसी होती है, पार्टनरशिप में क्या होगा, फर्म का नाम क्या है भाई, ए बी एंड सन्स, ओके, उसका एड्रेस क्या है भाई, ये मुंबई के अंदर है तो उसका एड्रेस है, कहाँ पे है, कोलाबा में, तो कोलाबा में एड्रेस है। फिर पार्टनर कौन कौन है, सर चार पार्टनर है, ए बी सी डी, तो चारों के एड्रेस, चारों के नाम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा भाई, इक्वल होगा, या उसको टू, इसको फोर मिलेगा, इसको टू, इसको टू, इसको टू, तो हमने चारों का लिख दिया। कौन सा बिजनेस करेंगे भाई, आज पेन का बिजनेस करेंगे या रिमोट का कर रहे हैं या कोई कैमरे का बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, वो भी हमने डील में लिख दिया। कितने टाइम की पार्टनरशिप है, 2 महीने की, 2 साल की, 20 साल की, सर 2 महीने की, हाँ 2 महीने की पार्टनरशिप भी होती है भाई साहब, सर 2 महीने की मतलब, अरे समर वेकेशन आ रही है, होती है तो हम दोनों क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, समर वेकेशन आ रही है, बच्चों की कोई आर्ट क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप चालू करते हैं, तो 2 महीने की पार्टनरशिप भी होती है, 20 साल की भी होती है, 25 साल की भी होती है, 50 साल की भी होती है। तो कितना है, कैसे गुडविल डिफाइड होगा, जो जो पार्टनरशिप में जो गुडविल मिलती, जो गुडविल होती है, कम जो रेपुटेशन होती है, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वो कैसे मेजर होगी। सैलरी कितनी मिलेगी मुझे और आपको, मुझे 1 लाख मिलेगी, आपको 50,000 मिलेगी, आपको 2 लाख मिलेगी, वो कैसे डिस्कशन होगा, वो सब एग्रीमेंट में लिख दिया। एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर, क्लियर है। तो ये सब आता है कि व्हाट आर एग्रीमेंट, आप लिख देना नेम, एड्रेस, द फर्म, प्रोफिशन रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सब मैं डिस्कस करूंगा आगे जाके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सब एग्रीमेंट में मैं लिख दूंगा। क्लियर है, समझ में आया, चलो ये समझ में आया। तो पार्टनरशिप डीड ध्यान रखना, इट हैव टू बी साइन बाय ऑल द पार्टनर, रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जरूरी नहीं है रिटर्न और ओरल भी हो सकता है। फोर्थ है इंपॉर्टेंट, लीगल बिजनेस होना चाहिए। सर लीगल बिजनेस का मतलब होता है कि भाई मैं इलीगल बिजनेस नहीं करता, अगर इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अगर इंडिया में लिखा हुआ है कि आप लेट सपोज गैम्बलिंग का बिजनेस नहीं कर सकते, तो मैं गैम्बलिंग का बिजनेस नहीं कर सकता। फिर आप मत कहना सर मैंने डीड में लिख दिया गैम्बलिंग का बिजनेस हम कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में, नहीं भाई लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा, इंडिया में बोला हुआ है लॉ में नो गैम्बलिंग बिजनेस अलाउड, तो हम नहीं कर सकते, क्लियर है। और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, यार पैसा बनाने के लिए बिजनेस कर रहे हो आप, पैसा बनाने के लिए, पर सर अगर मुझे बिजनेस करना है पैसा बनाने के लिए नहीं, मुझे लोगों की समाज सेवा करनी है, हम दोनों फ्रेंड चाहते हैं कि समाज सेवा करें, करो ना, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए अलग चैप्टर है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अलग अकाउंटिंग होगी। यहां पर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप में जो अकाउंटिंग होगी वहां पर सबसे मेन मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, क्लियर है, मेन प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर आपका मोटिव है समाज सेवा, तो वो आपका एनपीओ में जाएगा, वहां उसकी अकाउंटिंग होगी, क्लियर है, ओके। फिर है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, इज मस्ट बी, प्रॉफिट जो होगा वो कैसे डिवाइड होगा, वो मस्ट है कैसे, मतलब ए बी सी डी चार पार्टनर, तो कैसे डिवाइड होगा। एंड सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। सर इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल और एजेंट, अरे बहुत सिंपल सी बात है, देखो सपोज करो कि मैं बिजनेस, सपोज करो कि चार पार्टनर हैं, क्या पार्टनर हैं, सपोज करो चार पार्टनर हैं, ए बी सी और डी, ये चार पार्टनर हैं। अब ये जो चार जो पार्टनर हैं ए बी सी डी, उन्होंने पार्टनरशिप डीड साइन किया है, साइन किया है, ओके चलो। अब सपोज करो कि डी ने बोला भाई, ए बी सी डी, ए ने बोला अभी हम जयपुर में बिजनेस करते हैं, ए ने बोला चलो यार मुंबई में ऑफिस खोलते हैं, क्या खोलते हैं मुंबई में ऑफिस खोलते हैं, चलो खोल दिया। पर बी सी डी ने कहा यार मुंबई में ऑफिस नहीं खोलते, वहाँ नुकसान हो सकता है, अरे ए ने कहा मैं बोल रहा हूँ ना खोलते हैं यार, बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो भाई बी सी डी ने कहा चलो यार खोल देते हैं, तेरी बात मानते हैं। तो किसका माइंड था, ए का दिमाग था कि मैं मुंबई में बिजनेस स्टार्ट करूं, मुंबई में बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पे हो गया जबरदस्त नुकसान, घाटा हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो अब वो लॉस कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा या बी सी डी बियर करेंगे या सिर्फ ए बियर करेगा या सारे बियर करेंगे। देखो जो अभी आप नीचे कमेंट लिखो कौन बियर करेगा, मुझे बताओ, पॉज होके बताओ, सोचो कौन बियर करेगा। अरे सिंपल सी बात है, बियर करेगा, चारों बियर करेंगे,
जो बच्चे ने बोला ना सर सिर्फ ए बियर करेगा, गलत हो, क्यों? अरे भाई पार्टनरशिप एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जो भी फायदा जो भी नुकसान वो सबका। तो अगर ए का डिसीजन था उससे क्या फर्क पड़ता है, पार्टनरशिप है ना, जो भी फायदा होगा चारों को मिलेगा, जो भी रेशियो होगा, जो भी नुकसान होगा तो चारों को मिलेगा। तो मुंबई ऑफिस में बिजनेस खोला तो जो भी नुकसान हुआ वो चारों को बियर करना पड़ेगा। बी सी डी ये नहीं बोल सकते ए को भाई साहब ये तू बियर करेगा, नहीं, ये दोनों सिर्फ ए और बी सी डी चारों बियर करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे मैंने क्या कंसेप्ट बता दिया कि अगर ए पार्टनर है और बी सी डी वो फिर मेरे, अगर ए कोई स्टेप लेता है तो बी सी डी उसके एजेंट बन जाते हैं और वो भी बन जाता है। तो ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, मतलब अगर वो एक पार्टनर प्रिंसिपल है तो तीन एजेंट बन जाएंगे, एक एजेंट है तीन प्रिंसिपल बन जाएंगे, मतलब एक डिसीजन लेगा तो तीनों पे एप्लीकेबल, चारों पे एप्लीकेबल होगा। बी कोई डिसीजन लेगा तो ए सी डी पे भी एप्लीकेबल होगा, मतलब पार्टनरशिप एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है तो ईच पार्टनर एक डिसीजन ले सकता है, वो बाकी के पार्टनर पे भी अफेक्ट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, तो यहां पे मैंने आपको पार्टनरशिप के फीचर्स बता दिए। अब फटाफट हम देख लेते हैं कि हमारा पार्टनरशिप का क्या बोलता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, मैं बता चुका हूं, बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, ए बी सी डी चारों कैरी करे या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सेक्शन नंबर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? तो यहां पे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बता रहा हूं, पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया? अरे बहुत ही सिंपल सी बात है, सपोज करो ए और बी, मैंने क्या एग्जांपल दिया था, इसने 10 लाख रुपए डाले, इसने 40 लाख रुपए डाले, ओके, बिजनेस में नुकसान हो गया 70 लाख का लॉस हो गया। अब 70 लाख का अगर लॉस हो गया तो ए कितना बियर करेगा? ए बोलेगा मैंने तो बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले हैं, मुझे तो 10 लाख का नुकसान ही होना चाहिए। बी बोलेगा मैं तो 40 लाख का नुकसान, अरे भाई साहब दोनों मिला के तो 50 लाख होते हैं, नुकसान 70 लाख का हो गया। अब आप मन में सोच रहे होगे सर 10 लाख 40 लाख डाला 70 लाख का नुकसान कैसे हो गया? अभी उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, नुकसान हो गया। तो 70 लाख का जो नुकसान होगा वो कौन बियर करेगा? कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेंगे। ए ने 10 लाख किए, 50 लाख टोटल हो गए, तो अब उनको जो 20 लाख है ना वो ए और बी को अपने घर से लाना पड़ेगा, अपने बंगला बेचना पड़ेगा, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी, पर उनको नुकसान भरना पड़ेगा। तो ईच पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है नुकसान हुआ तो भरना पड़ेगा। यही कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट है, कंपनीज में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर कंपनी में मैंने कोई कंपनी में अगर 1 लाख रुपए डाला ना बिजनेस में तो मेरा नुकसान मैक्सिमम 1 लाख ही हो सकता है। 1 लाख से ज्यादा का नुकसान होगा तो मैं तो हाथ खड़े कर लूंगा, क्योंकि कंपनी एक अलग एंटिटी होती है और कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पर वो हम कब पढ़ेंगे? जब हमारी कंपनीज में होगा। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो यहां से आपका कंसेप्ट समझ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, फटाफट कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं अब तक हमने जो पढ़ा वो हम करते हैं क्या। सो लेट्स नाउ डू द क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन के लिए मैं जाता हूं मेरी जो पीडीएफ है। ओके, सो दिस आर द पीडीएफ जो आपको मेरी ऐप में मिल जाएगी, अकाउंट फंडा जो आपको मैं आपको बाद में बता दूंगा कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एमसीक्यू भी बना रखे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से एक्ट में फ्रेम हुई है? कौन से एक्ट में? 1932। तो आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? बी, बिकॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहां पे फ्रेम हुई है? सर 1932। दूसरा, मिनिमम पार्टनर कितने रिक्वायर्ड है? 2। अरे बट ऑब्वियस है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं, ये भी सोचने की बात है। तो 2 आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने इन्वॉल्व होते हैं? मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 1152, 50 मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। क्लियर है? चलो ये भी हो गया, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। कमेंट में लिखते जाओ आपका कितना स्कोर है, मैं जानना चाहता हूं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर ऑल एक्सेप्ट, मतलब ये फीचर्स हैं एक्सेप्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल, नहीं, जरूरी नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो सकता है अलग अलग हो। भाई दो पार्टनर हैं, हो सकता है इसको 2 प्रॉफिट मिले, इसको 1, 2:1 भी हो सकता है, 3:1 हो सकता है, 3:2, 5:7 कोई भी शेयर हो सकता है, जरूरी नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो। तो मुझे ए लग रहा है कि आंसर सही है, बिकॉज वो बोल रहा है पार्टनरशिप का फीचर है एक्सेप्ट,
इक्वल जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट मस्ट है, हाँ, रिटन और ओरल होना चाहिए, मिनिमम 2% है और बिजनेस हैव टू बी लीगल, ये तीनों फीचर है, पर पहला फीचर गलत है, इक्वल जरूरी नहीं है। तो आंसर हो गया इसका ए, आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया, क्वेश्चन 4 का ए। क्वेश्चन 5, हु इज अ माइनर पार्टनर, अरे 18 साल से कम, मैंने 18 साल नहीं कहा, 18 साल से कम। अब यहां पे आप कंफ्यूजन बता किस में हो रहा है आपका, बी और डी में हो रहा है, भाई बी में बोल रहा है 18 साल या 18 साल से कम, दोनों नहीं भैया, 18 साल से कम, 18 साल हो गया तो वो माइनर है, 18 साल हो गया तो वो मेजर है, 18 साल से कम तो लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, आंसर नंबर डी की है, क्लियर है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं ना, रिटन भी हो सकता है और लिखा हुआ है, दोनों हो सकते हैं, रिटन एंड ओरल बोथ नहीं, जरूरी नहीं है बोथ हो, या तो रिटन या ओरल, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बोथ हो, तो आंसर ए लग रहा है, ओनली ओरल नहीं, ओनली रिटन नहीं, रिटन भी तो हो सकता है, ओनली ओरल भी हो सकता है, नहीं गलत है, रिटन और ओरल कोई भी हो सकता है, या तो रिटन या ओरल, जरूरी नहीं है दोनों हो, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से सही कौन सा है बताओ, माइनर कैन बी एडमिटेड एज एन ओरिजिनल पार्टनर, नो ही कैन नॉट बी एडमिटेड एज एन ओरिजिनल पार्टनर, तो ये गलत है, मैंने बताया ना फाउंडिंग पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, यस राइट आंसर, मैं आपको बता चुका हूं, माइनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलता, माइनर को लॉस में शेयर नहीं मिलता, तो पार्टनरशिप के बेनिफिट ही मिलेगा, बेनिफिट मतलब फायदा, फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा माइनर को, तो बी सही लग रहा है। तो सी बी और डी देखें क्या, तो देख लेते हैं, माइनर कैन बी एडमिटेड बट इज राइट आर सेम एडल पार्टनर, इसके राइट्स अलग होते हैं, माइनर के राइट्स एकदम अलग होते हैं बिकॉज उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होता है, एंड माइनर पर्सन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज, नहीं भैया 18 ईयर्स से कम होता है, क्लियर है। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया, बी इज द राइट आंसर। ओके चलो यहां तक तो मैंने आपको 7 कराया, मैं चाह रहा हूं यहां पे आप होमवर्क करो, तो 8, 9 आप स्क्रीनशॉट पे ले लो, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपके लिए होमवर्क है, और प्लीज नीचे कमेंट पे जरूर लिखना कि आपका आंसर कितना मैच हुआ, कितना आपका स्कोर आया। अगर जो बच्चों को ये चाहिए, सपोज करो कि आपको ये चाहिए कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आप देख सकते हो, यहां पे देख सकते हो पीडीएफ के लिए, एक सेकेंड, हाँ पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप मेरी जो ऐप है अकाउंट फंड है वहां पर डाउनलोड करो, वहां पे फ्री है, टोटली फ्री है, वहां पे डाउनलोड करो, आप जैसे मेरी अकाउंट, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, अगर आप एप्पल पे हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आईफोन है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, माई इंस्टीट्यूट नाम से आएगा, अगर गूगल प्ले स्टोर पर तो अकाउंट फंड है, डाउनलोड करो वहां पर, ये इंस्टॉल करो, मेरी ऐप इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करोगे तो ये कुछ खुलेगा, इस तरह खुलेगा, होम पे, होम पे ना इसको स्लाइड करो, ऊपर करो इसको, ऐसे ऊपर करो, ऊपर करो, स्लाइड करोगे ना तो आपको यहां मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, क्या मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, फ्री कंटेंट, फ्री स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल पे क्लिक करो, और क्लिक करते ही आपको ये खुलेगा 11th अकाउंट, 12th अकाउंट, तो 12th अकाउंट का मैंने अभी डाल रखा है, पार्टनरशिप फंडामेंटल डाल रखा है, आगे और डालता रहूंगा। पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर आप क्लिक करोगे तो पार्टनरशिप फंडामेंटल का एमसीक्यूज है, ये मेरे डिटेल क्वेश्चन मैं बाद में बात करूंगा, एमसीक्यूज पे क्लिक करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पार्टनरशिप फंडामेंटल का पीडीएफ खुल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे अटेम्प्ट करो, मुझे जरूर बताना कि आपका कितने कितने मार्क्स आए, क्लियर है, आपका समझ में आया। चलो अब ये तो हो गया, आज के लिए मेरा खत्म हो गया हमारा लेक्चर नंबर 1, जहां पे मैंने आपको बताया पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, माइनर पार्टनर के मैंने फीचर बता दिया और मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए, एंड यस अगर आप, अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसका लिंक अभी आपका ऊपर आई पे आ गया होगा, वहां पे आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 2 पे पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे होती है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग सोल प्रॉपर्टनरशिप में डिफरेंट कैसे होता है, चार्जेस और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्लियर है। ओके ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट एंड लाइक जरूर कर देना, सो दैट यूट्यूब बाबा हैप्पी हो जाए और ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वो दिखाए, तो ये तो आपको बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपना आप कर ही लेना। अच्छा अब जो आप जो यहां पे जो मेरे से पढ़ने आए हो, मैं यहां पे यूट्यूब पे रोज लेक्चर्स डालूंगा, यस डेली माय लेक्चर्स विल बी देयर ऑन द यूट्यूब, पूरा का पूरा पार्टनरशिप फंडामेंटल मैं आपको यहां पे करवाऊंगा, ऑल द कांसेप्ट पार्टनरशिप के, बेसिक कांसेप्ट इंडियन पार्टनरशिप है, पार्टनर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल मेरे इस चैप्टर के 14 लेक्चर्स यूट्यूब पे आने वाले हैं, कितने लेक्चर्स आने वाले हैं,
14 लेक्चर YouTube पे आने वाले हैं। आप उन सब जो लेक्चर का जो शेड्यूल है वो ये है, लेक्चर नंबर 1 में ये जो मैंने आज में आपको पढ़ा दिया है, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो टोटल। और लास्ट में मैं एक वन शॉट रिवीजन भी कराऊंगा जो बहुत ही डिटेल रहेगा, और पूरी 100% जो आपके अकाउंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो मेरी, आपको कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पे और पैसा खर्च नहीं करना, YouTube में पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपका एक चार्जेस लगेगा, सिर्फ सब्सक्राइब कर देना सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो डालने का, और लोगों को बता देना, अपना शेयर कर देना। तो मेरा शेड्यूल क्या रहेगा, मंडे टू फ्राइडे मेरा ये चैप्टर्स की वीडियो आएंगे, जो भी चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल चेंज इन रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनर सारे आएंगे। सैटरडे को हम पूरी क्लास का रिवाइज करेंगे, और संडे को मैं आऊंगा लाइव डाउट सेशन के लिए जहां पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो रिगार्डिंग द पर्टिकुलर चैप्टर। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो ये तो आपका पूरा समझ में आ गया, तो यस डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू वेरी मच। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे दे रखा है। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।